आइए जानते हैं आपका वार्षिक राशिफल पंडित राकेश झा के साथ। पंडित राकेश झा की ओर से आप सबको नमस्कार, साथ ही नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा इस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत ही दो अशुभ ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ होने जा रहा है। जनवरी महीने में ही राहु और केतु अपना घर बदलेंगे और अगस्त में जाकर के शुभ ग्रह गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इन ग्रहों के परिवर्तन का सभी राशियों पर इस साल असर दिखेगा। तो आइए देखें आपकी राशि पे ग्रहों का कैसा प्रभाव है। मेष राशि वालों, इस बार आपको पारिवारिक जीवन के मामले में बिल्कुल भी गैर जिम्मेवार नहीं होना है। अपने परिवार की जरूरतों का पूरा ध्यान रखें और इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। गृहस्थी में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया है कि क्रोध पे आपको काबू रखना होगा, तो इस बार ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्रोध पर काबू रखें और वाणी पर नियंत्रण। जीवन साथी की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन पिता और दूसरे परिवारजनों के साथ थोड़े मन मुटाव की भी आशंका दिखती है, तो बड़े बुजुर्गों के मामले में थोड़े से संयम बरतें तो अच्छा रहेगा।